किसानों के साथ हुई चोरी का बिना थाने की पुलिस ने किया खुलासा। एक नाबालिग चोर गिरफ्तार, पुलिस ने ली राहत की सांस। शहर में लगातार हो रही चोरियों ने पुलिस की नींदें उड़ा दी थी। चोरों की तलाश में बौखलाई पुलिस ने अब राहत की सांस ली है, क्योंकि पुलिस ने एक ऐसे चोर को पकड़ा है जिसने बीना में दो चोरियों को अंजाम दिया था। गौरतलब है कि 10 मार्च को पंजाब बैंक के बाजू से एक किसान की बाइक पर टमाटर सॉस डालकर 85,000 रुपये रखे थैले को अज्ञात चोर उड़ा ले गए थे। वहीं अनाज बेचकर आ रहे किसान के 1,60,000 रुपये जो ट्राली के टूल किट में रखा था, वही भी अज्ञात चोर ले भागे थे, जिनका खुलासा आज बीना थाने की पुलिस ने किया है, जिसमें पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी के लिए गिरफ्तार किया है जो कृषि मंडी में रेकी कर किसानों को निशाना बनाया करते थे। पुलिस के अनुसार एक नाबालिग अपने अन्य साथियों के साथ चोरी घटना को अंजाम दिया करता था। पुलिस ने नाबालिग चोर को गिरफ्तार कर 80,000 रुपये जब्त किए हैं। वहीं दूसरा आरोपी करण उर्फ रितेश निवासी कड़िया सासी जिला राजगढ़ एवं अन्य आरोपियों को पुलिस तलाश कर रही है। देखिए, पिछले दिनों यहाँ से 2-3 घटनाएं बैग लिफ्टिंग की हुई थी, उनके संबंध में जो पता रसी की गई उसमें राजगढ़ के कड़िया सासी से जुड़े एक नाबालिग आरोपी का दस्तयाब किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक के सामने से जो किसान के बैग से पैसे गए थे उनके द्वारा ही चोरी किए गए थे, उसमें से मसरूर का बरामद किया गया था। उसके अलावा 23 तारीख को जो एक किसान के ट्रैक्टर से पैसे गए थे उसमें भी इन्हीं लोगों का हाथ होने का था। इस विधि विरुद्ध बालक के साथ में एक अन्य आरोपी है करण, राजगढ़ का रहने वाला है, सांसी गाँव का। वही मोटरसाइकिल से लोग आते थे, यहाँ रेकी करते थे और मंडी से निकलने वाले, बैंक से निकलने वाले उन लोगों का पीछा करते हुए, और जहां उनको मौका मिलता था तो वो बैग लिफ्टिंग बच्चों के माध्यम से कराते थे। इसमें अहम सुराग लगे हैं हाथ में, अभी आगे इसमें तफ्तीश जारी है। जिसको पकड़ा गया है उसके माध्यम से जो मसरूका जब्त किया गया है, आगे कार्रवाई की जा रही है।